नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सबके सब? सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप नागिन धुन को किस तरीके से बजा सकते हो, एकदम आसान तरीके से। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम आसान तरीका होगा, और अगर जो भी कोई बिगिनर्स है या कोई एकदम शुरू से बच्चा भी है या फिर एकदम शुरू से कोई भी बंदा 2-3 गाने प्ले किए हैं और नागिन ट्यून सीखना चाहता है, क्योंकि कई सारे लोग नागिन ट्यून की वजह से ही पियानो या फिर इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो इस वीडियो के थ्रू आसानी से इस धुन को सीख के ही जाएंगे। और वीडियो को अगर आप एंड तक देखते रहे तो आप नागिन ट्यून को कभी भूल भी नहीं पाओगे और आसानी से सिंपल स्टेप्स में आप इसको सीख पाएंगे, ठीक है? वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखते रहिएगा और वीडियो को स्किप ना करिएगा, जिससे आपसे जो ये मैं आपको ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ आपसे जो मेन मेन स्टेप्स है वो आपके मिस ना हो, ठीक है? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, नागिन ट्यून एक नॉर्मल इस प्रकार की धुन है, पॉपुलर ट्यून जो हमारे भारत में हुई, और ओनली इंस्ट्रूमेंटल ट्यून हिट है। जैसे कई सारे गाने हिट होते हैं उनके बोल हिट होते हैं, लेकिन नागिन ट्यून ही हिट है। मीन्स जो इसकी इंस्ट्रूमेंट है, जो इसकी मेलोडी है, इसकी जो मेलोडी है वही सबसे हिट है और सबको बढ़िया लगती है, इसलिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पे लोगों को बजाने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है? तो सीखेंगे इसके ऊपर, सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ज़्यादा इसमें नोट्स हमारे नहीं लगेंगे, नॉर्मली चार चार सुरों के ऊपर आप इसको प्ले कर पाओगे, ओनली 1 2 3 4 या किसी भी रैंडम चार सुर को। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहीं से भी कैसे नागिन ट्यून प्ले कर लो, ठीक है? जहाँ पे आप अंगुली रखो वहीं से आप नागिन ट्यून प्ले कर सकते हो, ठीक है? तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ होगी और काफ़ी समझने लायक चीज़ होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, एक प्ले करके बताता हूँ, फिर देखते हैं इसका ट्यूटोरियल, ठीक है? अगर स्टार्टिंग में आपको प्ले करके बता दूँ तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा अंदाजा आए और आपको सिर्फ टाइमिंग का भी पता चले, ठीक है? ओके। ठीक है, तो इस प्रकार की ट्यून है, और भी कई सारे इसमें वेरिएशन है, ओनली ये नहीं है, मतलब ये मेन बेसिक नागिन ट्यून है, लेकिन इसमें और भी कई सारे वेरिएशन है जिसमें आप कई सारे कर्ण स्वरों का यूज करके इस नागिन ट्यून को और बेहतर बना सकते हो। कर्ण स्वर मीन, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे जैसे मैंने इस सुर को टच किया, लेकिन इस सुर को टच करते हुए भी, मतलब अभी इस सुर को मैंने टच किया हुआ, उसके साथ मैं बाजू वाले सुर को भी टच कर रहा हूँ, लाइक ठीक है? तो इसको बोलते हैं कर्णसुर, इसलिए वो और भी आप कई सारे कर्ण सुरों का यूज करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, सही तरीके से बजा सकते हो, ठीक है? तो अब बात हुई कि आपको ये किस तरह सीखना है, वो भी एकदम आसानी, जैसे आपने टाइटल थंबनेल में देखा। तो जैसे आपको देखो, नॉर्मली अगर आप एकदम नए हैं, नए बिगिनर्स हैं, ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ से मोटिवेट हो सके और आप अपने इस इंस्ट्रूमेंट में और आगे कदम बढ़ा सके और भी कई सारे गाने तैयार कर सके, ठीक है? क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ अगर आपके साथ में हो जाती है तो आपको कोई धुन आ जाए, आपको कोई मेलोडी आ जाए बजानी, तो आप जिसको लोगों को बजा के सुनाते हो और आप एक तरीके से मोटिवेट होते हो। ओके, तो इस तरीके से मैं आपको इजी से इजी बताने की तरीका कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये जल्दी समझ में आए, ठीक है? ओनली मोटिवेट होने के लिए अगर आप ये धुन सीखना है तो सीखिए, और फिर सही संगीत को जरूर सीखिए, ठीक है? तो नॉर्मल देखो, आपको फोकस क्या करना है, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपके पास मोबाइल पियानो है, या फिर अगर आप हारमोनियम पे प्ले कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास छोटा मोटा कोई कीबोर्ड है, ठीक है? तो आपको, आप एकदम नए बिगिनर से, तो आपके ध्यान में रहता होगा 5 सुर ब्लैक हैं और बाकी के सभी सात हैं, बाकी के जो सभी सात हैं वो वाइट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाइट 5 ब्लैक, इधर भी 5 वाइट, सॉरी इधर भी 5 ब्लैक, इधर भी 7 वाइट, सेम चीज़ें इधर है, सेम चीज़ें इधर है, सेम चीज़ें उसके आगे है, क्लियर? इधर आवाज़ें वो मोटी है, इधर मीडियम है, और आगे की तरफ जो आवाज़ है हमारी पतली हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें देखो, अगर मैंने आपको जहाँ से प्ले करके बताया वहीं से अगर हम शुरुआत करें, कौन से सुर यूज हुए, 1 2 3 4, 2 ब्लैक और 2 ही वाइट, 1 2 3 और ये 4। अगर मैं यही नागिन धुन और कहीं से भी प्ले कर सकता हूँ, जैसे ये चीज अलग हुई, हम सीखेंगे यहाँ से, लेकिन आपको मैं बताऊँ एक तरीका तो, ओके? okay?
ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि ओनली चार ही सुरों का इसमें यूज़ होगा। इधर भी चार सुर लग रहे हैं, इधर भी चार, इधर भी सार, आप नागिन धुन को कहीं से भी प्ले करो, स्टार्टिंग में चार ही सुरों का इसमें यूज़ होगा। पैटर्न आपको एक ही चीज़ में पता चल जाएगा, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ पैटर्न इसका, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर सेम चीज़ आपको जब इस अब सेम नागिन धुन को अगर इस की से शुरुआत करोगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप फटाफट इस चीज़ को पकड़ लोगे, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ से सीखे तो 1 2 3 4, चार ही इसमें कीज का यूज़ हुआ। मैं आपको इन्हीं चार कीज़ के ऊपर जूम कर देता हूँ, जिससे आपका ध्यान इन्हीं चार कीज के ऊपर रहे और आपका और कहीं जगह ध्यान डाइवर्ट ना हो, ठीक है। तो कौन से, 1 2 3 4, ओके। तो इन्हीं चार सुरों पे आपको फोकस रखना है और इन्हीं पे हम सीखेंगे नागिन धुन, ठीक है। तो जैसे कैसे अर्जुन को जब मछली की आंख पे निशाना लगाना, तो धीरे धीरे उसको मछली दिखती है, फिर धीरे धीरे उसको आंख दिखती है। तो उस हिसाब से मैंने कुछ ट्राई किया है कि जिसमें आपको चार ही सुर नजर आए और फिर आप इस पर जल्दी सीख पाओ, ठीक है। तो 1 2 3 4, चार इशू है जिसमें हम गिनती के हिसाब से इनको मार्किंग दे देते हैं। किसी भी बंदे का नाम हो तो उसको समझने में और उसको याद रखने में आसानी होती है, इसलिए सभी लड़की सभी लड़कियों का नाम होता है, इसलिए हम सभी सुर एक जैसे दिखते हैं। तो हम इनमें इनको इनके नाम देते हैं, जिससे आपको इनको समझने में और याद रखने में आसानी हो, ठीक है। ये है 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है। ये 1 2 3 4, ये चार ही सुरों में 1 2 3 4, ठीक है। तो इन चार सुरों पे नागिन धुन प्ले होगी। अगर मैं, शुरुआत कहाँ से हो रही है, थ्री से हो रही है, ठीक है। 1 2 3 4, शुरुआत हो रही है थ्री से। अलग अलग पार्ट करेंगे, अलग अलग पैटर्न से धीरे धीरे समझेंगे एक एक लाइन को, फिर सभी लाइन को मिलाएंगे, ठीक है। तो किस तरह, पहली लाइन, ठीक है, ये तो पूरी नागिन ट्यून हो गई और सेम चीज लूप में चलेगी। लूप में मीन्स खत्म होते ही शुरू, खत्म होते ही शुरू, ठीक है। किस तरफ, फिर से, फिर सेम चीज रिपीट। तो किस तरह, 3 2, ओके, 4 2, फिर 3 1 2 1, 3 2 4 2, 3 1 2, ओके। एक दफा फिर से स्लो में, अलग अलग भाग है, जिसमें पहला भाग 2 4 2, फिर 3 1 2 1, अगला पार्ट 3 2 4 2, 3 1 2, अगला पार्ट है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बाद में वापस सेम, ठीक है। इसी इसी चीज़ का अगर आप 10 से 20 बार भी रियाज कर लोगे ना, जैसे अभी मैं आपको चार सुर बता रहा हूँ और इन्हीं सेम पैटर्न का, कैसे 3 2 4 2, 3 1 2 1, 3 2 4 2, 3 1 2, इसी चीज़ का सेम पैटर्न का अगर आप 10 से 20 बार भी रियाज कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आसानी से आप इस धुन को याद कर लोगे और एक तरीके से आप समझ लोगे, ठीक है। और आपको लंबे समय तक इसका याद भी रहेगा और भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो 3 2 4 2, 3 1 2, 3 2 4 2, 3 1 2 1, 3 2 4 2, 3 1 2, क्लियर। चार ही सुर है, आसानी से नागिन ट्यून आप इसमें समझ लोगे और आपको होप यहाँ तक प्ले करना आ गया होगा। इसके बाद में वाली ट्यून कैसे, इसके बाद में वाली अगर हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, जिससे आपको कीबोर्ड की जो कीज हैं वो दिखे, ओके फाइन, ओके। आगे किस तरह, ठीक है, किस तरह, फिर इसके बाद में, फिर सेम इसके बाद में, यही चीज रिपीट अगर हम रिदम के साथ ट्राई करें। तो होप आपने यहाँ तक सीख लिया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो पीछे जाके फिर से देखिए और फिर से अपने जो भी डाउट से क्लियर कीजिए। ये वीडियो खाली एक मोटिवेशन के लिए थी कि आप इस नागिन धुन को सीख सके और एक तरीके से मोटिवेट हो सके, ठीक है। और अगर आपको सही संगीत सीखना है तो शुरू से राग सीखिए, ठाठ सीखिए, फिर उनके ऊपर सारे गामा के ऊपर रियाज कीजिए और फिर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से सीखिए, जिससे आपका जो बेस है वो मजबूत बने। मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा। और अगर आप एक शौक के हिसाब से सीख रहे हैं कि भाई मेरे को नागिन धुन सीखनी है और फिर बाद में बस हो गया, मैं इंजॉय कर रहा हूँ और दूसरे को भी मैं एक तरीके से सुना रहा हूँ, तो बस आपके लिए बेटर है ऑप्शन। और फिर अगर आपको सही से म्यूजिक सीखना है तो आप राग तैयार कीजिए और फिर उनके ऊपर कौन से गाने हैं, उनके ठाट अलंकार सही तरीके से प्रॉपर तरीके से शुरुआत से उनका बेस मजबूत करके सीखिए, ठीक है। एक दफा फिर से नागिन ट्यून को प्ले कर लेते हैं, ओके, रिदम के साथ।
क्लियर। होप आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका जो समय यूजफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट से सवाल है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलता हूँ आपसे इस प्रकार की एक और नई इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, और जो भी कुछ आपके सवाल है, जो भी कुछ आपके विचार है, मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और होप आपने यहाँ तक नागिन धुन को परफेक्ट कर लिया हो, और अभी आपके मन में कोई सवाल ना रहा होगा नागिन धुन के विषय में, ठीक है। और भी आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो मेरे को नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट्स या जो भी आपका सवाल होगा मैं उसको जवाब देने की अपने अगले वीडियो में पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे इस प्रकार की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, और अपना ध्यान रखिए, ओके बाय।